हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ बच्चों की फेवरेट वाइट सॉस पास्ता। इन दिनों चल रही है विंटर वेकेशन और बच्चों की फरमाइश हर दिन नई आ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पास्ता जो है बिल्कुल क्रीमी और टेस्टी बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक भगोने में पानी, जो कि हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 200 ग्राम पास्ता। आप चाहें तो यह मैक्रोनी भी ले सकते हैं। और जैसे ही पास्ता उबलने लगेगा, अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक आधा चम्मच और साथ में ही डालेंगे कुछ बूंदे तेल की, ताकि जो हमारा पास्ता है वो चिपके नहीं और थोड़ा ऑयली सा ही बनकर तैयार हो। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद जो हमारा पास्ता है वो उबल कर तैयार हो चुका है, देखिए फ्रेंड्स। और अब हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि पास्ता जो अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर लेते हैं। और ये देखिए, अब हम इसके ऊपर डालेंगे कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए ठंडा पानी, ताकि जो पास्ता है वो यहीं पे थोड़े ठंडे हो जाएं। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, ताकि जो हमारे पास्ता है वो चिपके नहीं, ये देखिए खिले खिले ही रहें। अब हम चलते हैं सॉस बनाने। कढ़ाई में डालेंगे बटर। बटर के अच्छे से पिघलने के बाद हम डालेंगे लहसुन, ये देखिए फ्रेंड्स, और साथ में ही डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ हमें जो लहसुन और प्याज है उसे हल्का सा पिंकिश होने तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा लहसुन और प्याज है वो पिंक हो चुके हैं। अब हम डालेंगे शिमला मिर्च, आप चाहे तो कोई और सब्जी भी डाल सकते हैं। थोड़े से डालेंगे स्वीट कॉर्न के दाने, इसे भी हमें 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ये देखिए। अब हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए। अब हम यहाँ इसे करछी से नहीं, बल्कि इस तरह से विस्कर से भूनेंगे मैदा को लगभग 1 से 2 मिनट तक, जिससे कि अच्छा से भुन जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ मैंने लिया है ठंडा दूध, आप चाहे तो उबला हुआ भी ले सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है, एकदम से नहीं डालना। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप के या 1.5 कप के साथ ही दूध डाला है। इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपनी ग्रेवी और क्वांटिटी के हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मैदा है दूध के साथ अच्छे से मिल गया है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं। और मैंने यही सॉस बनाते समय बिल्कुल भी वीडियो को एडिट नहीं किया है, ताकि आप अच्छे से ये सॉस बनते हुए देख सकें। देखिए फ्रेंड, जो दूध और मैदा है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। हमारी अब कुछ ही मिनटों में सॉस जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, एक अभी से दिख रही है कि कितनी क्रीमी बनी है और एक भी लम्स नहीं है इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड, जो हमारी ग्रेवी है वो हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, अब मैं इसे आपको करछी से या चम्मच से इस तरह से करके दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सॉस है इसमें कहीं भी लम्स नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल ही प्लेन सॉस बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे 1 मिनट और चलाएंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम अपना बॉयल्ड पास्ता। ये देखिए फ्रेंड, जो सॉस है वो लगभग रेडी हो चुकी है। अब हम डालेंगे बॉयल्ड पास्ता, जो भी हमने रखा था, ये देखिए, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सारे ही स्पाइसेस, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ भी स्पाइसेस नहीं डाले हैं। हमारा पास्ता ग्रेवी में अच्छे से मिल चुका है। अब हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर डालेंगे काली मिर्च, साथ में ही डालेंगे ऑरेगानो, ये बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। साथ में डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लिया है हमने अमूल चीज़, ये प्रोसेस चीज़ है, अब मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और इससे जो हमारा पास्ता है वो और भी ज़्यादा क्रीमी और डिलीशियस बनेगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और ये देखिए फ्रेंड, अब झटपट से अपने बच्चों के लिए घर पर ही जो वाइट सॉस पास्ता है वो आसानी से लम्स फ्री बना सकते हैं। इसे बच्चे भी खाकर बहुत ही
खुश हो जाएंगे। आप भी इस विंटर वेकेशन बच्चों के लिए इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।